हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम IPv6 कॉन्फ़िगर करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि RIP कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है थिन राउटर में। अगर आपको वीडियो देखना है तो आई बटन में वो लिंक आ रही होगी, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने पैकेट रिसीवर में चलेंगे। पैकेट रिसीवर में चलने के बाद सबसे पहला जो हमें राउटर्स लेना, तो हम हायर, जब भी हम IPv6 करते हैं तो हायर सीरीज के राउटर लेंगे हम। तो अभी फ़िलहाल मैं ISR 4321 सीरीज के राउटर्स ले रहा हूँ और अभी मैं टोपोलॉजी डिज़ाइन करता हूँ। IP इंटरफेस ब्रीफ कमांड लगाते हैं। तो यहाँ देखिए गीगाबाइट पोर्ट ही है हमारे पास, यहाँ पर सीरियल पोर्ट है। तो सबसे पहले हम चल के इसमें सीरियल पोर्ट इंसर्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हम IPv6 के कुछ एड्रेसेस लिखते हैं। तो जैसे अगर मैं ये सीरियल पोर्ट यहाँ पर चलता हूँ, यहाँ मैं दे देता हूँ 1:1, इसको दे दीजिए 1:2। GB पे हम चलते हैं, और मशीन को दे देते हैं 2 गाइस। जैसे हमने ये टोपोलॉजी बना चुके हैं, हमने अभी टोपोलॉजी बना लिया है, तो हम एक काम करते हैं, इसे पिन करके देखते हैं। तो जैसे अगर हम IPv4 यूज़ करते थे तो हम यहाँ से ऐसे इस तरीके से पैकेट ड्रॉप कर देते थे, तो हमें पता चल जाता था कि वो पिन हुआ। तो यहाँ पर नहीं होगा, तो हम इसमें मशीन पर ही चलेंगे और हम अपनी पिन करके देख लेते हैं हमारा राउटर पिन हो रहा है कि नहीं हमारे मशीन से। तो अभी :1 ये रिप्लाई आ रहा है। ऐसे ही हम दूसरे मशीन पर चल के देख लेते हैं, :2 ये भी पिंग हो रहा है, और :2 ये भी पिंग हो रहा है। बट अगर मैं यहाँ से अगर पिंग करना चाहूँ :2, अभी हमें ये पिंग नहीं होगा बिकॉज हमने अभी राउटिंग नहीं किया हुआ है ना। अब हम राउटिंग करने चलते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं :1 पे। यहाँ पर हम देखेंगे IPv6 राउटिंग कैसे करते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे अगर हम अपने राउटर्स में जब IPv4 वाली राउटिंग करते हैं तो वहाँ पर इनेबल होता है, बट हमें यहाँ पर IPv6 इनेबल करना पड़ेगा। तो IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग इनेबल करते हैं ना। यहाँ डालेंगे IPv6 राउटर, हम कर रहे हैं रिप। उसके बाद हमें यहाँ पर उसका एक नेम देना होगा, तो मैं यहाँ पर ऐसा नेम दे दिया है। तो ये हो गया राउटर के राउटिंग का कमांड। अब उसके बाद हमें
यहाँ पर हमें इंटरफेसेस में सारे आईपी देने पड़ेंगे, जो कि इंटरफेस है उसमें जाके बताना पड़ेगा। जब हम लोग IPv4 राउटिंग करते थे तो वहाँ पर हम लोग नेटवर्क बताते थे, यहाँ पर हमें इंटरफेस में जाके इसको इसका मान पास इनेबल करने का है। तो हम इंटरफेस में चलते हैं, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने सीरियल इंटरफेस में 0/1/0। इसके बाद यहाँ पर कमांड लगाएंगे IPv6 को नहीं आता है तो आप क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। आप क्या कर रहे हैं, हडीप इनेबल कर रहे हैं। हडीप इनेबल करने के बाद आपने जो नाम दिया था, फिर एक बार क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। तो आपने जो वर्ड दिया था, जो नाम लिखा था, वो लिख दीजिए जैसे मैंने कर दिया। और उसके बाद इसके बाद आगे फिर क्वेश्चन मार्क करिए। तो हमें इसे इनेबल करना होता है तो हम इनेबल कर लिए। तो इस तरीके से ये पहले मेरे एक इंटरफेस पर लग गया है। अब चलते हैं हम GigaByte इंटरफेस में, तो Giga0/0/0। इसके बाद सेम कमांड बस हमारी रहेगी IPv6 रिप सेव इनेबल। तो ये हो गया हमारा पहला राउटर, हम इसे सेव कर देते हैं। अब चलते हैं हम अपने सेकंड राउटर पे। तो इस सेकंड राउटर में मुझे तीन नेटवर्क डालने पड़ेंगे, S0/0/1/0, 0/1/1 और GigaByte। तो हम चलते हैं हम कॉन्फिगर। अब चलते हैं यहाँ पर, पहले तो यहाँ पर हम जाके इसको IPv6 इनेबल करेंगे। ये इनेबल हो गया। देन IPv6 राउटर रिप नाम दे देते हैं। इसके बाद इंटरफेस पे चलते हैं, इंटरफेस सीरियल 0/1/0 और कमांड डालेंगे IPv6 रिप और जो हमारा नाम था और उसे इनेबल कर लेंगे। इसके बाद चलते हैं हम लोग सीरियल 0/1/1 पे और सेम इस पर भी इनेबल कर देते हैं हम लोग। इसके बाद हम तीसरा इंटरफेस है Giga0/0/0, हम यहाँ पर भी इसे इनेबल कर देते हैं और यहाँ से एग्जिट करते हैं और WR करते हैं। चलते हैं राउटर 3 में, एग्जिट करते हैं। उसके बाद कमांड डालते हैं हम यहाँ पर IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। देन राउटर इसके बाद इंटरफेस सीरियल 0/1/0 और IPv6 रिप और इनेबल। एक इंटरफेस अपना GigaByte 0/0/0 था, उधर भी दे देते हैं। WR करते हैं, देखते हैं शो IPv राउट। तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि हम अभी जो हमारे दोनों तीनों नेटवर्क आ चुके हैं, ए का भी नेटवर्क आ चुका है, बी का भी आ चुका है और हमारा डी का भी है। तो इस तरीके से हम IPv6 को राउटिंग करते हैं। तो अब चल के हम अपने मशीन से देखते हैं, सारे पहले तो पूरे राउटर में चेक कर लेते हैं हो गया कि। तो यहाँ पर शो IPv6 राउट, देखिए इधर भी आ चुके हैं नेटवर्क आपके, बी का नेटवर्क आ चुका है, ई का भी नेटवर्क आ चुका है। तो इस तरीके से सेकंड राउटर में देख लिया, पहले राउटर में चलते हैं। यहाँ देखिए तो यहाँ पर भी आ चुका है, सी का आ गया है, डी का भी आ गया और ई का भी आ गया। तो इस तरीके से हमारा रिप हो चुका है। अब हम पिंग करके देखते हैं हमारे मशीन से। जब भी हमने पिंग किया था तो हमें रिक्वेस्ट अमाउंट मिला था, तो हम वापस से चलते हैं बी को पिंग करते हैं। तो देखिए अभी मुझे रिप्लाई मिल रहा है और मैं अभी जो जिस मशीन पे हूँ बी वाले नेटवर्क को मैं यहाँ से ई वाली मशीन से पिंग किया है थर्ड राउटर से। अब मैं डी को भी पिंग करके देख लेता हूँ, मतलब जो मेरा सेकेंड राउटर है D:2। देखिए यहाँ से भी रिप्लाई हो रहा है। सो इस तरीके से हम अपने IPv6 राउटिंग में कर सकते हैं रिप के अंदर पे।
तो गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू।